नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भारती और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। चुनावी बिगुल बजने के बाद कई पार्टियों ने एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है। ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि इससे जनभावनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईवीएम के विरोध में उठती आवाजों ने आम लोगों में भी ये डर बना दिया है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़ खानी हो सकती है। बीजेपी सरकार एक तरफ ईवीएम को सही करार दे रही है तो वहीं विपक्ष ईवीएम पर शुरू से ही आरोप लगाती आ रही है। ये कितना जायज है, बात यहीं खत्म नहीं होती है। क्या बीजेपी सरकार ईवीएम को बीपी पैट में बदल देगी तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि सच सामने आएगा और सभी राजनीतिक दल के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। दिलचस्प बात यह है, बीजेपी सरकार शुरू से ही ईवीएम मुद्दे को मिशन 2019 के बिगुल में भुला दिया है। देश में ईवीएम पर उठ रहे इन सवालों से पहले भी कई बार देश में ईवीएम पर विवाद हो चुका है। आपको याद होगा कि सत्ताधारी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2009 में ईवीएम पर सवाल उठाया था। स्वामी तब बीजेपी में नहीं थे, तो वहीं जब कथित हैकर सैयद सूजा ने ईवीएम को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया था और सूजा ने कहा था कि 2014 लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी के लिए हैकिंग की थी, ये सब बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की मिलीभगत से हुआ था। हैकर सूजा ने खुलासा करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या बयान दिया था, आप भी सुनिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहते हैं, मेरा मानना है कि इसको छानबीन करनी चाहिए। क्या सूजा का बैकग्राउंड, सूजा का कनेक्शन आईएसआई के साथ है? इस बयान से साफ जाहिर होता है कि सूजा का बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। हालांकि ईवीएम को हैकर सूजा ने जब खुलासा किया तब देश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई थी। पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलने लगा था, लेकिन पुलवामा अटैक जब हुआ उसके बाद से देश की जनता ईवीएम, राफेल और मूलभूत सुविधाएं जैसे मुद्दे से भटक गई थी और शहीदों की शहादत में उलझ गई। वहीं मोदी सरकार से अगर कोई प्रश्न करता था तो उससे पाकिस्तान जाने को कहा जाता था, कहीं तो देशद्रोही भी कहा जाता था। देश की जनता अपनी सरकार से ही अपने हक की मांग नहीं कर पा रही है, क्या ये देश का लोकतंत्र है? ऐसे में ये बढ़ेगा हमारा देश? बिल्कुल नहीं। भले ही हमारे देश को अनेकता में एकता का देश कहा जाता हो, लेकिन ये धरातल में दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मोदी ईवीएम के बलबूते फिर से सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं या इसी तरह ईवीएम पर गुमराह करना चाहते हैं? आप देख रहे थे NIN, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।